अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फॉर एवरीवन। तो आज की इफ्तारी की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पे आज का मेनू जो है मैं बना रही हूँ खिचड़ी और साथ ही साथ बना रही हूँ आलू बैंगन का भुर्ता। तो खिचड़ी के साथ ना कभी भी आलू बैंगन का भुर्ता भी अच्छा रहता है और साथ ही साथ जो मैं इमली वाला खट्टा बनाती हूँ वो वाला भी अच्छा रहता है। तो आज थोड़ा सा खट्टा बनाएंगे और थोड़ा सा आलू बैंगन का भुर्ता बनाएंगे। और मैंने अभी भी चावल को पानी में डाल दिया, चावल सोक कर लिया, मतलब भिगा दिया मैंने चावल को खिचड़ी बनाने के लिए। और यहाँ पे हम तैयारी करते हैं भुर्ते की, मीन्स आलू और बैंगन का भुर्ता। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं आलू और बैंगन। तो यहाँ पे भुर्ता बनाने के लिए आलू लिया है, बैंगन और साथ ही साथ टमाटर। अच्छा, मैंने इन लोगों को पहले वॉश करा था, फिर मैंने यहाँ पे छील के पीसेस बना के डाल लिया। अगर आप चाहे बड़े या छोटे पीसेस डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसे मैश ही करना है लास्ट में। तो यहाँ पे मैं डालती हूँ 3-4-5 ग्रीन चिल्ली एंड रेड चिल्ली, रेड ड्राई चिल्ली मैंने 6-7 लिया है। और गार्लिक मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 8-10 पीसेस। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टर्मरिक का हाफ स्पून ऐड करूँगी। तो ज़ीरा मेथी, पहले मैंने ज़ीरा और मेथी को लिया है इक्वल क्वांटिटी में और रोस्ट करा है तवे पे अच्छी तरह। उसके बाद यहाँ पे मैंने पाउडर बनाया है, वो वाला पाउडर यहाँ पे इस वाले स्पून से मैं एक स्पून डालने वाली हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमें पानी ऐड करना है और थोड़ा सा हरा धनिया। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया। अब हम डालेंगे पानी, इसमें मैं 1/2 ग्लास वाटर डालती हूँ। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह मैश करना और साथ ही साथ बघार लगाना। अच्छा, यहाँ पे पानी डालने के बाद मैं साथ ही साथ एक काम करूँगी जो भुर्ते में ज़रूरी होता है, तो इससे ना टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा, आप लोगों को ज़ुकाम या सर्दी कुछ है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे है ज़ुकाम, बट इसके बिना टेस्ट नहीं आता। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इमली ले रही हूँ, इमली को पानी में ऐड कर दूँगी। उसके बाद इमली का पेस्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जब ये गल जाएगा। तो जब तक ये विजल्स आएंगे तब तक हम इसको पानी में ऐड करके रख देंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे पेस्ट। मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, आप देख सकते हैं जैसा हमारा एक नींबू होता है उसके हिसाब से ही मैंने लिया है इतना सा। पहले इसको वॉश करूँगी फिर पानी में ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे और थोड़ा सा मैं पानी लूँगी और इसको विजल्स लगाऊंगी 4-5 विजल्स। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं फिर से एक बार बता दी, यहाँ पे मैंने बैंगन लिया है, आलू लिया है और टमाटर लिया है और चिल्ली ग्रीन चिल्ली ली है, रेड ड्राई चिल्ली लिया है और टर्मरिक लिया है। और यहाँ पे ऊपर से मैंने गार्लिक थोड़ा सा लिया है, मतलब छिला हुआ लहसुन साबुत, और साथ ही साथ हरा धनिया। अब हम यहाँ पे डालेंगे सांभर ऑनियन। पानी मैंने ऐड कर दिया 1/2 ग्लास। तो यहाँ पे मैंने सांभर ऑनियन ऐड करी। अगर आपके पास सांभर ऑनियन नहीं है तो मीडियम वाली साइज़ के 2 ऑनियन यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे पूरा ऐड कर दिया। और मैंने यहाँ पे कुकर को बंद करना है और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने इमली को भीगने डाल दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा इमली ली है ताकि एक तो मैंने भुर्ते में पेस्ट डालना है और साथ ही साथ जो है इसका जो मैं खिचड़ी के साथ खट्टा बनाती हूँ वो मेरा फेवरेट है, उसके लिए भी थोड़ा सा मैंने पानी में डाल दिया। थोड़ा सा ज़्यादा इमली ली है। अगर आप लोगों को भी खट्टे की ज़रूरत है थोड़ी सी ज़्यादा ले लीजिएगा, खिचड़ी के साथ ये भी अच्छा वाला कॉम्बिनेशन होता है। तो जब तक यहाँ पे हमारा भुर्ता बनेगा उस टाइम तक मैंने यहाँ पे खिचड़ी को रेडी करना। मैंने ले लिया है राइस कुकर, आप चाहे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल 5-6 स्पून। अब मैं यहाँ पे डालती हूँ ऑनियन। मैंने यहाँ पे सांभर ऑनियन लिया है, टेस्ट भी अलग सा आता है सांभर ऑनियन के साथ और ज़्यादा सा क्या बोलते हैं उसको एनर्जी भी होती है ऑनियन में। आप लोग अगर हो सका, आपके पास मिलती हो, अवेलेबल हो, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हाँ, छिलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है बट टेस्टी लगता है और इससे थोड़ी सी एनर्जी भी मिलती है। तो यहाँ पे मैंने ऑनियन डाल दिया। अब ऑनियन को लाइट सा पिंक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ऑनियन जो है लाइट पिंक हो गई है। तो अब इस स्टेप पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे गरम मसाले का पाउडर, जो घर में फ्रेश पिसा हुआ है वो वाला गरम मसाले का 1/2 स्पून डाल रही हूँ। अगर आपका आउटसाइड का यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लिए। और यहाँ पे मैंने 3-4 हरे मिर्ची, मीन्स 3-4 ग्रीन चिली ऐड किया। इसको अच्छा सा एक मिक्स देंगे, गरम मसाला जो है तेल में तले चले जाएगा, मतलब थोड़ा सा हीट हो जाएगा, ज़्यादा इसको तलना नहीं ताकि कड़वास बना जाएगी। हल्का सा तलने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने यहाँ पे 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करा है। अब उसको हम तल लेंगे 2-3 सेकेंड तक ताकि इसकी कच्ची खुशबू जो है वो चले जाए। यहाँ पे जैसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमारा रेड हो चुका है, उसके साथ साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे मूंग की दाल।
मूंग की दाल मैंने यहाँ पे एक क्या बोलते हैं एक छोटा सा बोन दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना और टर्मरिक टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, तो पूरा यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी साथ ही साथ ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पे हरा धनिया, पुदीना और मूंग की दाल टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, टर्मरिक लिया है। अब इसको 2-3 सेकेंड तक पानी थोड़ा सा जो मैंने डाला है इसको अच्छी तरह पका लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो पानी इसका मेजर का होता है, यहाँ पे मैंने 2 ग्लास चावल लिए मतलब आधी किलो, तो उसके हिसाब से 4 ग्लास पानी लगेगा। जिस ग्लास से आप चावल लेते हैं उसी ग्लास से पानी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, चावल आपके दूसरे हैं, दूसरी क्वांटिटी के हैं, पानी कम लेते हैं तो आप चेक कर कर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे, अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो भी यही हिसाब होगा, मतलब यही क्वांटिटी से डालना पड़ेगा। अगर आप कोई बर्तन में बना रहे हैं तो इसी क्वांटिटी से डालना पड़ेगा, क्योंकि खिचड़ी जो है ईजी मेथड में बनती है और आसानी से बनती है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने मेजर किया है वो वाला पानी भी ऐड कर देती हूँ, साथ ही साथ जब पानी पक जाएगा तो हम चावल भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास चावल के लिए 4 ग्लास पानी लिया था। अब पानी पकने का वेट करेंगे, जैसा पानी में एक उबाल आ जाएगा बस हम यहाँ पे चावल भी ऐड कर देंगे, ताकि हमारी खिचड़ी जो है तैयार हो गई है। तो भुरता जैसा मैं बनता, भुरता के साथ साथ जैसा भुरता मेरा स्टोव पे भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने खिचड़ी की भी तैयारी कर ली। अब मैं चलती हूँ जो मैं खट्टा बनाती हूँ वो वाला खट्टा बनाने की, दिखा देती हूँ आपको कैसा बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खिचड़ी का पानी जो है अच्छी तरह पक गया। अब मैं जो चावल पानी में डाले थे उसको मैंने यहाँ पे निकाल के चावल ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे साथ ही साथ मैं खट्टा बनाने की तैयारी करी जो खिचड़ी के साथ खाते हैं। यहाँ पे मैंने इमली का पेस्ट, यहाँ पे मैंने इमली का पानी डाला है। उसके बाद हम यहाँ पे कितने खटास की चाहिए इतना, और टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ले लीजिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑनियन, ग्रीन चिली और थोड़ा सा हरा धनिया। तो यहाँ पे मैंने खट्टे की भी तैयारी कर दी। वैसे आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक खट्टा दिखाया भी था किस तरह बनाते हैं। यहाँ पे इमली का पेस्ट लिया था और टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, सांभर, ऑनियन मैंने थोड़ी सी डाली थी, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली बारीक कटा हुआ डाला है और हरा धनिया। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है खट्टा। तो बस इसको एक मिक्स करना है और कर देना है साइड में। तो यहाँ पे खिचड़ी भी तैयार हो गई है। बस अब खिचड़ी को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे ताकि राइस कुकर में पकते रहें और मेरा स्टोव जो है खाली मिल जाए और दूसरा कुछ मैं बनाने की तैयारी में लग जाऊँ। यहाँ पे देखिएगा मैंने चावल ऐड कर दिया और चावल को अच्छी तरह एक मिक्स कर दिया। अब मैंने यहाँ पे बंद करना है ढक्कन, तो थोड़ा सा पकने देती हूँ ताकि गैस पे ना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। थोड़ा सा पकने देती हूँ, फिर मैंने यहाँ पे राइस कुकर पे चेंज कर देना है इसको। देखिएगा अभी मेरा स्टोव जो है भुरते कुकर पे ही है, मतलब स्टोव पे ही है। तो इतनी देर में मैंने यहाँ पे खिचड़ी की भी तैयारी कर ली और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे खट्टा भी बना दिया। तो इस मेजर से काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे तो आधे घंटे में पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। हम आधे घंटे में फ्री भी हो जाएंगे ताकि इजी हो जाएगा। तो बिना मुझे रुके जब मैं किचन में आती हूँ बिना रुके फटाफट कर देती हूँ, तो मेरा काम जो है इजी हो जाता है। तो इस तरह काम करेंगे तो हमारे टाइम के मैनेजमेंट भी हो जाएगी और टाइम ज़्यादा हमें फ्री मिलेगा, कुछ अदर्स करने का फ्री टाइम मिलेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, हाफ एन आवर में मेरी कुकिंग जो है ख़त्म हो जाती है। तो आ जाए हैं नितिन हमारे साथ खेलने के लिए। नितिन जब भी आता है तो टाइम अपने आप पास हो जाता है, जो मेरा कुकिंग का टाइम है वो भी लेट हो जाता है। बाय नितिन। नितिन तो नितिन को यहाँ वहाँ बिठाओ नहीं, बस इसी की जगह है ये नितिन। तो नितिन को लग गई थी भूख, आज नितिन खाएंगे बिस्किट, उसके बाद हमारे साथ करेगा इफ्तियारी। राइट नितिन, राइट नितिन। तो यहाँ पे भुरते को जो हमने बनाया था वो ठंडा होने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मैशर की मदद से मैश कर लिया। तो करने के बाद यहाँ पे डालेंगे अब टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट। हमने गलाते टाइम नहीं डाला था, तो अब यहाँ पे मैं टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल रही हूँ, और जो इमली का पेस्ट बनाया था वो वाला इमली का पेस्ट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। और बस हमें कितना लिए पानी चाहिए, मतलब थिक ग्रेवी चाहिए या लाइट ग्रेवी चाहिए, इसके हिसाब से हम यहाँ पे पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ऐड करने के बाद, तो हम यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बघार लगाने के लिए तैयार कर लिया, जो जो बघार लगाना है। बघार लगाने के लिए यहाँ पे मैंने छोटी बारीक सी मतलब सांभर, ऑनियन थोड़ी सी ली है,
करी लीव्स, अगर आपके पास ये नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। बहुत सारे जगह ना करी लीव्स कम मिलता है और कुछ लोगों को ना इसके बारे में मालूम भी नहीं होता, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, या नहीं तो स्किप कर लें। और यहाँ पे जीरा लाई ली है, यहाँ पे मैंने रख लिया है बर्तन। तो यहाँ पे 3 स्पून ऑयल डाल लिया, ऑयल अच्छी तरह हमारा गर्म हो गया। तो यहाँ पे हम डालेंगे सरसों मींस राई और जीरा, दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे, अच्छी तरह चटक जाएगा। तो हम करी लीव्स डालेंगे, मींस जैसा बघार का आवाज आती है ना चिट चिट सा, तो वो हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे करी लीव्स। तो मैंने एक बार क्लियरली भी दिखाया था आप लोगों को भुर्ता बनाने का, आज फिर से बना रही हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट से बताइएगा, मेरे वीडियोस अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस उन तक भी पहुँच जाए। और पहली बार कोई देख रहा था बिना बोले सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैंने ऑनियन ऐड कर दिया है, तो आप ऑनियन को गोल्डन कर लेंगे और साथ ही साथ करी लीव्स जीरे को भी अच्छी तरह गोल्डन कर लेंगे। अच्छा, इस स्टेप पे ना आप लोगों को सूखी मिर्ची ऐड करना है, बघार के साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे नहीं ऐड करा, क्योंकि जब मैं गला रही थी उसी टाइम पर मैंने ऐड कर लिया था, मुझे स्पाइसी बस लग रहा है इसलिए मैंने ऐड नहीं करा। तो यहाँ पे ऑनियन लाल हो गई है, जैसा मैंने यहाँ पे बघार डाला इसी स्टेप से मैंने यहाँ पे बंद कर देना है। अगर आप लोग इसमें ठंडा पानी मिक्स करते हैं थोड़ी देर पका लीजिएगा, या नहीं तो बस अगर हमारे पास पानी ऐड नहीं करा, गर्म पानी ठीक ऐड करा है तो फिर स्टोव बंद कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था ठंडा वाला, तो यहाँ पे 2 मिनट में पका लेती हूँ, फिर करती हूँ स्टोव बंद। अच्छा, मैंने यहाँ पे खाना बनाते बनाते मेरा स्टोव देखिएगा कितना मिसी हो गया, और यहाँ पे काउंटर टॉप भी देखिएगा कितना हो गया। तो मुझे यहाँ पे मैंने बना दिया है खिचड़ी और साथ ही साथ भुर्ता और वो खट्टा वाला पानी बना दिया। तो यहाँ पे मैंने कबाब को मंगा के वॉश करके रख लिया, अब इसको हम लगाएंगे मसाला। जैसा कि मैंने उस दिन बताया था आपको किंग कबाब मसाला, वही वाले बना रही हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने मिर्ची वगैरह के लिए थोड़ा सा सामान निकाल के रख लिया है, तो ये वाला भी मसाला आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी कर लिया है, फिर आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो उसके बाद हम किचन क्लीन करेंगे, फिर चले जाएंगे हम, इफ्तारी का टाइम होने लगेगा, तालीम पे बैठ जाएंगे। तो आज की वीडियो इतनी होती है, और इसके साथ अच्छा मैं ये मसाला तो दिखा देती हूँ आपको, जब फ्राई करती हूँ ना उस टाइम पे मैं भूल जाती हूँ, वीडियो मेरी ख़त्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीडियो में मेरे ध्यान रहा, मुझे याद रहा, तो मैं ज़रूर फ्राई करते हुए आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा करारी फ्राई होती है और टेस्ट भी इसका अच्छा लगा। तो मैं आज खिचड़ी के लिए इतना ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ जो है थोड़ा सा मेरा सर्दी लग रही है मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसा रमज़ान शुरू होता जूस वगैरह हम ऐड कर लेते, ज़्यादा हमें ले लेते, इसलिए थोड़ा सा मुझे ज़ुकाम हो गया। जैसा ठीक होएगा फिर हम दूसरी रेसिपी पे लग जाएंगे। आज मुझे थोड़ा सा टाइट है इसलिए मैं थोड़ा सा काम कर लिया, ज़्यादा मेरे से हो नहीं सकेगा इसलिए। तो यहाँ पर बना दिया भुर्ता, तो यहाँ पर देखिएगा पकने लगे। अब मैं करती हूँ इसको स्टोव बंद और मेरा भुर्ता जो है तैयार हो गया। यहाँ पर ले लिया मैंने बीफ को, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा है, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 स्पून ऐड कर रही हूँ, और साथ ही साथ हमने ये वाला कबाब मसाला में ऐड करना है। तो ये वाला कबाब मसाला यहाँ पे जो किंग मसाला था वो वाला ऐड कर लेती हूँ, और साथ ही साथ ना थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर इसमें ऐड करना है, ताकि इसमें जो है ना कलर थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेड फूड कलर भी साथ ही साथ ऐड करूँगी। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। और मैं साथ ही साथ डालना है 1/2 लेमन। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लिया, और साथ ही साथ यहाँ पे लेमन ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और रख दूंगी फ्रिज में, जब हमें इफ्तारी का टाइम हो जाएगा उसके बाद हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने तक आपको ये वीडियो मिल चुकी होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अगर याद रहा तो अपलोड ज़रूर करूँगी, तो फ्राई करने का अपलोड करूँगी। मसाला तो मैंने आपको दिखा दिया। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, आप लोगों को पसंद आ गया तो लाइक शेयर करेगा, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बिना बोले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। तो ये वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़।